Assalamualaikum. Say assalamualaikum. Assalamualaikum. Don't touch, Papa. Don't touch your legs. Assalamualaikum. What are you eating? I'm eating some Happy Meal toy. You're eating Happy Meal toy? You're eating Happy Meal nuggets? I'm eating Happy Meal nuggets. And show me your toy. Dun, dun, dun. What's his name? His name is... But no, she's a girl. What's her name? Her name is Mr. Potato. Mr. Potato? Yeah. I guess it's Mrs. Potato. Mrs. Potato. Mr. Potato. Oh, okay. And show me your next toy. Hi, beta. Ye bhi same le aaya. Baba, this is the same. Look. It's same. So, if... Aaj kya date hai? Today is 2nd August. If you guys... इस वीक या टू वीक्स थ्री वीक्स तो चलता है ये इस सीजन में जाएंगे तो यू विल गेट दीज मिस्टर पोटैटो हेड्स विथ हैप्पी मील जो कि बहुत अच्छी सीरीज है. इससे पहले कौन सी सीरीज आई हुई थी? कौन सी सीरीज थी? टॉम एंड जेरी. तो उनके टॉयज़ बहुत बेकार थे. सारे मैजिकल रिलेटेड थे, लाइक कुछ मैजिकल हेड्स थी, मतलब मैजिक से रिलेटेड टॉयज़ थे, पर क्वालिटी ऑफ टॉय और आइडियाज़ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे. बट येस, दिस मिस्टर पोटैटो हैज़ 8 कार्टून, 8 करेक्टर्स. तो यश, देखें हम कितने इसके जमा करते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम इससे पहले स्मर्फ था एंड यू हैव 6 3 पेयर्स ऑफ स्मर्फ्स. ये देखिए कितने कितने क्यूट लग रहे हैं ये फोकस करके. Look how cute are these. ये वो पिछली सीरीज थी जो कि स्मर्फ की थी और वो उस टाइम एक मील के साथ दो लाइक पेयर्स दे रहे थे. तो अहमद ने ये अहमद की कलेक्शन है. स्टॉप पे बाबा, स्टॉप. तो ये सारी वो कलेक्शन थी जो कि अहमद ने गैदर की है मैकडोनल्ड से. एंड लुक कितनी क्यूट है. सबसे क्यूटेस्ट क्यूटेस्ट अपना सीरीज में मुझे यही लगी है अपनी स्मर्फ्स की. लुक एट हिम, सबसे क्यूट तो दिस डॉक्टर है. चेक देम आउट. व्हाट आर यू डूइंग? आई एम बिल्डिंग अ पिग हाउस. यू आर बिल्डिंग अ पिग हाउस विद अ हैमर? आई एम मेकिंग अ पिग हाउस. ओके ओके फाइन. अहमद का ये बास्केट है जो कि पूरे मैकडोनल्ड्स टॉयज से भरा हुआ है. मैकडोनल्ड्स हार्डीज जो भी इसको हैप्पी मील के साथ मिलता है. ही गॉट 2 पोटैटो हेड्स टिल नाउ. ये भी ये उनकी सीरीज थी लाइक टॉम एंड जेरी. इस मिस्टर पोटैटो हेड से पहले आई थी. हाँ हाँ, तो मिस्टर पोटैटो से पहले ये वाली सीरीज थी, ये सीरीज थी. तो ये दो सेम हो गए थे. बाकी एक इसी सीरीज में एक और भी था, पता नहीं कहाँ गया वो. टॉम एंड जेरी की सीरीज में, पर वो कोई ख़ास नहीं थी, बहुत ही फजूल थी, पता नहीं मिल नहीं रहा. पाकिस्तान से दो प्रोडक्ट्स लेके आई थी. द वन इज़ दिस डर्मा शाइन हैंड एंड फुट लाइटनिंग क्रीम. ये कोई लोकल पाकिस्तानी ब्रांड है, बट दैट वर्क्स, इट वर्क्स वेरी वेल. बहुत अच्छा इसने काम किया मेरे हाथों पैरों पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा हाथ पैर का कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो गया था. अब काफ़ी बेहतर हुआ है और मज़ीद मैं इसको करने के, क्योंकि जब मैं ऐसे करते हैं ना, जब आप ऐसे करते हैं तो आपको डिफरेंस फील होता है लाइक कि कितना आपका कॉम्प्लेक्शन ख़राब हुआ है. यहाँ पे एक डिफरेंस वाली लाइन आ जाती है. आई डोंट नो व्हाई ये फोकस क्यों नहीं कर रहा. तो
स्टिल अभी थोड़ी सी है, तो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट ताकि ये साफ़ सुथरा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने बिल्कुल भी हाथ पैर पे क्या कहते हैं, नॉट इवन फेस पे मैंने वो यूज़ किया अपना ऑयल, क्या कहेंगे, सन ब्लॉक। इतना इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि इवन मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। खैर, दिस वन इज़ ग्लो बाय गिफ्ट आर्ट, और ग्लो बाय गिफ्ट आर्ट का ये हाइलाइटर है। ये भी जस्ट कोई मैंने किसी ब्लॉगर को यूज़ करते देखा था, तो बहुत ही चीप था। आई थिंक इट्स 600 और 750 ओनली, तो पर क्वान्टिटी इज़ गुड इनफ कि मतलब बहुत ही सारा चल सकता है। तो इसका ये शेड है सन किस्ट, जो कि मेरे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से बहुत अच्छा है। लेट मी ओपन इट। तो ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, बट उन्होंने मुझे ये सेंड किया एंड देन दे आस्क मी टू डू टू गिव रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट, कि मतलब इट्स अ काइंड ऑफ पीआर पैकेज। उन्होंने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया इसका, थैंक्स फॉर देम। इसका पेज फेसबुक पे है, मैं इसको खोलती हूँ। इसका पेज फेसबुक पे है, डायरेक्टली आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। 7 to 8 उनके शेड्स हैं। मेरे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से मुझे सन किस बेहतर लगा, बट दिस इज़ हाईली पिगमेंटेड। मैं दिखाती हूँ, वेट। सो यस, ये दिखता कुछ ऐसा है। ये थोड़े से इसमें कहते ना एक ब्रेकआउट्स आ गए हैं, लाइक दिस, राइट। एंड लेट्स सी ये कितने पिगमेंटेड हैं, वो आपको देख के ही अंदाज़ा होगा। सो लाइक दिस इज द प्रोडक्ट, और मैं इसको यहाँ शो करती हूँ। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, आप बहुत सारा लेंगे तो वो ओवर हो जाएगा। तो लाइक दिस इज़ द प्रोडक्ट, मैं इसको बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ, वेट। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट। ये ग्लिटरी नहीं है, ये बहुत अच्छा, जिस तरह हाइलाइटर होता है उसी तरह है। किस तरह दिखाऊँ मैं, यस, तो ये वो हाइलाइटर है जो कि फ़िलहाल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। इतना तो आपने फेस पे नहीं ऑफ कोर्स लगाना, बट मैंने बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में इसको लिया था। सो यस, ये वो दो फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, और प्राइस आर चीप, तो यू कैन ऑर्डर इजीली एंड गिव अ ट्राई। ये देखें, आई जस्ट लव इट, मुझे इतना मज़ा आता है इसको यूज़ करके, बिकॉज आई एम अ लिटिल ग्लो मॉन्स्टर। एंड दिस इज़ द चारकोल पील ऑफ मास्क, जो कि ZQ की तरफ से है। दिस इज़ एक्सट्रैक्टिंग जेली, एक्सट्रैक्टर जेली, जो कि पील ऑफ का काम करता है। दिस इज़ द क्लेंजिंग प्रोडक्ट, जो कि चारकोल पाउडर एंड कुछ इन्ग्रीडियंट्स के साथ मिक्स है। आई डोंट नो वो क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं। और एक है ये साथ में पेपरमिंट ऑयल। तो लाइक दिस फुल पैकेज लिटरली बॉम्ब। आपकी स्किन, आपके पोर्स को इस तरह सट, मतलब ये क्लीन करता है ना, लिटरली यू कैन फील इट कि आपको एक एक पोर्स से अपने कुछ वाइट हेड्स निकल रहे होते हैं। इवन मेरे चीक से, मेरे फॉरहेड से मुझे कहते हैं ना कील की तरह कुछ फील हुआ है कि निकलते हुए, एंड दैट वॉज सो सेटिस्फाइंग। तो यस, दिस इज़ ZQ हर्बलिशियस फ्रॉस्ट। इसको आप shopzq.net गूगल पे लिख के, या ZQ का पेज है फेसबुक पे, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये पूरे मेथड्स लिखे हुए हैं किस तरह आपने यूज़ करना है। इसको आप खाली भी यूज़ कर सकते हैं, अगर खाली यूज़ नहीं करना तो आप इसको पील ऑफ भी कर सकते हैं, बेहतर है इसे पील ऑफ की तरह यूज़ करें। बट दिस प्रोडक्ट इज़ लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट। अगर आपके स्किन केयर रूटीन में ये है तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी फेशियल की भी ज़रूरत है। तो दिस प्रोडक्ट इज़ ऑसम। ये इसकी प्राइस पता नहीं 1500 थी क्या थी। खैर, दिस वन इज़ अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम हर्बलिशियस, ZQ हर्बलिशियस। ये इनका पहला प्रोडक्ट था। दिस इज़ सिंपल हर्बलिशियस,
और ये भी एक हर्बल पाउडर है जिसके अंदर आप दही के साथ भी और अपना दूध के साथ भी किसी के साथ भी आप इसका कॉम्बिनेशन करके यू कैन पुट ऑन योर फेस एज अ मास्क एंड यस इट गिव्स ग्लो ऑन योर फेस इंस्टेंटली। तो ये एक पैकेज था और वो हर्बलिशियस दूसरा था। तो इसको भी अपने स्किन केयर रूटीन में आप रख सकते हैं। वो ये वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जो कि वाकई अच्छी हैं, लिटरली वाकई अच्छी हैं। ये तो अब मेरा ख़त्म होने वाला है, लेट मी शो यू। वेट, ये देखें, ये ऑलमोस्ट मेरा एंड है। मैंने इसको इतना यूज़ किया एंड दिस इज़ हर्बल प्रोडक्ट, तो कोई साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं है। ये नो डाउट आपकी स्किन क्लियर करता है, कॉम्प्लेक्शन जो है वो बेहतर करता है। सो यस दिस इज़ हर्बलीशियस। ऑयली स्किन है तो मिल्क के साथ लें, सॉरी योगर्ट के साथ लें, अगर ड्राई है तो फिर अपना आप मिल्क ऐड कर लें साथ में। मैं तो इसका कॉम्बो बड़े डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, इंशाल्लाह मैं वो भी शेयर करूँगी। बट दिस इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट इज़, ये बिल्कुल ख़त्म होने वाला है एंड आई एम डेफिनेटली ऑर्डर दिस अगेन। और जो भी पाकिस्तान जाएगा मैं इंशाल्लाह उससे मंगवाऊंगी। तो यस दिस इज़ द प्रोडक्ट। इसके बाद ये है कि ये सारे स्किन केयर जो भी हमने ट्रीटमेंट या मेथड्स करने हों, बेशक वो हर्बल हों क्या हों, वो रात में किया करें और अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके, कोई भी दोनों मास्क के बाद जो है ना, ज़रा सी स्किन मॉइस्चराइजिंग की, ऑयली जिनकी स्किन है वो तो ज़रा ऑयल ऑयल सा फील होता है, ग्रीसी सा, बट डोंट वरी, इसको वॉश ऑफ करना है। देन टिशू से डैम्प क्लीन करके आपने एक आइस क्यूब को पूरे फेस पे लगाना है, तो इट विल सारा भी जो भी होगा ना मॉइस्चराइजर होता है, इट विल रिमूव। तो ज़रूर आइस क्यूब यूज़ इसलिए करना है ताकि सारे पोर्स भी आपके क्लोज़ हो जाएं, और फिर टोनर यूज़ करके अपना पूरा डेली रूटीन आपने इस्तेमाल करना है। तो यस गाइस, ये कुछ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स थी जो कि मस्ट ट्रायल बेसिस पे रखें आप अपने टॉप लिस्ट पे, इसको ख़रीदें। और फर्दर कुछ भी, मैं दो तीन चीज़ें और ट्रायल पे हैं, पर वो जब मैं ट्राई करूँगी, ये भी मैंने इतना ट्राई किया है तभी मैं रिव्यू दे रही हूँ, तो ये जब मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह मैं फिर ज़रूर फर्दर वो प्रोडक्ट्स की भी रिव्यूज़ दूँगी। तो ये देखें, ये जेली है, ये भी मैंने कहा अंदर से दिखा दूँ, ये जेली है और ये है चारकोल पाउडर। पैकेजिंग इज़ सो गुड, इतनी अच्छे से पैक्ड हैं चीज़ें। दिस इज़ द चारकोल पाउडर। इसको खाली भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं खाली के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ हर्बलिशियस का, बाकी ये मैं है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं हर्बलिशियस गोल्ड मंगवाऊँगी, और अब तो इन्होंने दुबई में भी डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, तो इट्स गुड फॉर मी, मुझे पाकिस्तान के लिए वेट नहीं करना होगा। मज़ीद 3 प्रोडक्ट्स हैं, डेफिनेटली वो अच्छी होंगी, उसको खैर मैंने ट्राई करना है। सो गाइज, अगर ये छोटी सी वीडियो मेरी पसंद आई हो उसको ज़रूर लाइक करें ताकि मुझे पता लगे कि वाकई पसंद आई है, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।